वालों पर एक्शन लिया गया है। बदमाशों पर इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट कर रहे थे और हाथ में हथियार लेकर ये दहशत फैलाना चाह रहे थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से रील का मुद्दा उठाया और तब जाकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और अब रील बनाने वाले माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और अपील कर रहे हैं दूसरों से कि ऐसा ना करें। दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था इन्होंने हथियार लहराते हुए। आप देख सकते हैं ये दो तस्वीर, दो वीडियोस आप देखिए। एक तो चाकूबाज जो चाकू हाथ में लेकर लहराते हुए हवा में नजर आ रहा है और अब वो माफी मांग रहा है, और ये दूसरा आप देख सकते हैं बंदूकबाज गिरफ्तार किया गया है जो बंदूक लहराते हुए हवा में नजर आ रहा है और रील बनाकर फेमस होना चाहता था, लेकिन अब ये भी घुटनों पर बैठकर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे से गलती हो गई और अब कभी ऐसा हम वीडियो नहीं डालेंगे भविष्य में, और आप लोगों को भी अनुरोध है कि ऐसी वीडियो कभी ना डालें आप भी। कुलदीप उर्फ चना है, पिता का नाम जीतू है, और मैंने एक वीडियो डाली थी पिस्टल वाली, नकली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ऐसी वीडियो ना डालें और हम भी नहीं डालेंगे, और मैंने ऐसी दहशत फैलाने। तो ये उन लोगों के लिए था जो बहुत शौकीन है हवा में हथियार लहराने के और वीडियोस बनाने के। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और आज रात इंदौर में चलेगा गुंडा अभियान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अभियान चलेगा। भारी फोर्स के साथ पुलिस मार्च करेगी। 4 डीसीपी, 12 एडिशनल डीसीपी होंगे शामिल। पुलिस कमिश्नर पब और बदमाशों के घर पर दबिश देंगे। इंदौर में लगातार अपराध को लेकर ग्राफ बढ़ रहा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबरें दिखाई हैं और अब एक्शन में इंदौर सीपी राकेश गुप्ता नजर आ रही हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर सभी अधिकारियों और फोर्स के साथ पैदल फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से निकलेंगे और उन बदमाशों के लिए ये संदेश है कि छिपे कहीं भी होंगे लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप तक पहुंच ही जाएंगे। तो अब सावधान और सतर्क होने की बारी है उन बदमाशों के लिए। बीते कुछ दिनों में न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी, चोरी की, चेन स्नैचिंग की भी आपने वो तस्वीर देखी होगी और वीडियो देखा होगा जहां पर सरे राह दो बदमाश बाइक पर आते हैं और चेन स्नैचिंग करते हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो मैनेजर के घर पर किस तरह बदमाश घुसे और उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देना चाहा डरा धमका कर। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीपी की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और साथ ही कहा जा रहा है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये अभियान चलेगा। मिथिलेश संवाददाता साझ हो गए हैं। मिथिलेश, अब बदमाशों की खैर नहीं, इस अभियान के बारे में क्या जानकारी आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 लगातार अपराध से जुड़े खबर इंदौर की दिखा रहा था। उसने कई सवाल भी पूछे थे, न्यूज 18 लगातार पुलिस कमिश्नर से सवाल भी कर रहा था कि सर पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि इंदौर में लगातार बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बड़ी वारदात हो रही हैं, चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग, हत्या, डकैती, लूट, तमाम जो संगीन अपराध हैं वो इंदौर की सड़कों से नजर आ रहे हैं और लगातार वो तस्वीर भी हमने दिखाई। दूसरी तरफ भी हमने वो तस्वीर दिखाई कि जो अपराधी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं, हालांकि उस पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर दी, वो खबर भी न्यूज 18 ने दिखाया था। और आज बड़ी तैयारी की गई है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल होंगे, 12 एडिशनल डीसीपी, 4 डीसीपी और खुद कमिश्नर आज इंदौर की सड़कों पर मौजूद रहने वाले। बकायदा लिस्टिंग कर ली गई है, किस किस बदमाश घर जाना है, कहां पर दबिश देनी है, कहां पर छापेमार कार्रवाई करनी है और किस किस पब पर जाना है। यानी आज नशे के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, तमाम जो अपराध लोग करते हैं, जहां पर अपराध की वजह बनती है, आज वहां पर खुद कमिश्नर अपने अधिकारियों के साथ दबिश देने वाले हैं। 11 बजे लगभग वो सभी अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से निकलेंगे और ये जो पुलिस का एक्शन है वो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। यानी आज सारी रात इंदौर में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा गुंडा अभियान चलाया जाएगा। बिल्कुल, तो आज ये मान के चला जाए कि आज अपराधियों की खैर नहीं। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया है जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां हजारों लोग लापता हो रहे हैं। ये लोग आखिर कहां जा रहे हैं और लापता की तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
छत्तीसगढ़ में लापता लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। प्रदेश में रोज करीब 50 लोग लापता हो रहे हैं। ये लोग आखिर कहां गायब हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक नजर गुमशुदा होने वाले लोगों के आंकड़ों पर। 23 महीने में 48,675 लोग लापता, 37,813 लोगों की हुई तलाश। रायपुर से 7,337 लोग लापता, 5,602 लोगों को पुलिस ने किया बरामद, 1,735 लोग अब भी लापता। दुर्ग में 12 से ज्यादा लोग लापता, रेलवे पुलिस 58 लोगों की नहीं कर पाई तलाश। पुलिस का कहना है कि लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। गुम हुए लोगों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जाता है और लापता लोगों को बरामद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 363 का FIR दर्ज किया जाता है और अभी हमारे पास तो ऐसे भी मामले हैं जिनमें पूरी कोशिश होने के बावजूद उनको खोजा नहीं जा सका, लेकिन वो FIR कभी भी क्लोज नहीं किया जाता है। प्रदेश में हजारों लोग लापता हो रहे हैं। क्या ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन रहे हैं और क्या वजह है कि पुलिस गुमशुदगी के आंकड़ों पर लगाम नहीं लगा पा रही? युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर। और अब बात आपको बरेली की बताते हैं, जहां एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपना लिया, जिसके बाद हिंदू युवक से शादी करके अपना नाम भी बदल लिया। पूरी कहानी शादी से लेकर धर्म बदलने तक की एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुस्लिम धर्म से आने वाली सोनम ने पहले सनातन धर्म स्वीकार किया, अपना नाम सोनम से लक्ष्मी रख लिया और बाद में पूरे विधि विधान के साथ अपने प्रेमी विष्णु के साथ शादी के बंधन में बंध गई। मंदिर में शादी के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पूरे मंत्रों उच्चारण के बाद दोनों एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। बेहद खास मौके पर सोनम ने साड़ी पहनी और दुल्हन का पूरा श्रृंगार किया था। विष्णु ने सोनम के गले में मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरा। इस तरह दोनों ने साथ निभाने का वचन लिया। जिंदगी की नई शुरुआत से दोनों बेहद खुश नजर आ रही थी। दोनों की दोस्ती 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन दोनों की शादी में काफी देरी हो गई क्योंकि धर्म की दीवार भी आड़े आ रही थी। लेकिन विष्णु और सोनम ने सोच लिया था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे और आखिरकार मंदिर में शादी कर ली। पूरे विधि विधान के साथ दोनों ने सात फेरे लिए। देवरनिया थाना क्षेत्र के गिरधरपुर का की मामला है। तो आज आपने सनातन धर्म में वापसी की है। अब आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आपका क्या नाम है? विष्णु मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गिरधरपुर थाना देवरनिया। कब से आप एक दूसरे को जानते थे? 12 साल। सोनम का कहना है कि सनातन धर्म में उसकी बहुत आस्था है और इसकी वजह से उसने विष्णु से शादी का फैसला लिया। सोनम प्रभु श्री राम को बहुत मानती है। दोनों का कहना है कि वो जल्दी ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे और उनसे परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। शादी से ऐन पहले सोनम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी जान को खतरा बता रही है, पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार लगा रही है। मेरा नाम सोनम है, मैं विष्णु मौर्य शादी करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से और मुझे अपनी जान का खतरा है परिवार से। सोशल मीडिया पर शादी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं गिरधरपुर के आसपास इस शादी की चर्चा जोरों पर है। बरेली से न्यूज 18 के लिए चित्रंजन सिंह की रिपोर्ट।